जय माता की दोस्तों। और आज है संडे और चारों तरफ ऊपर आसमान में हो चुके हैं बादल ही बादल है। अभी दिखाता हूँ, देखिए सामने सूर्य देव अभी अभी निकल रहे हैं और चारों तरफ बारिश का मौसम दिखाई दे रहा है। इतने सारे बादल हो चुके हैं लेकिन दिखा तो नहीं रखी बारिश, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। और देखिए कैसे नारंगी रंग दिखाई दे रहा सूर्य का, क्यों बादलों के पीछे है ना। और हमारी छत हो चुकी है कुछ इस तरह की, ये देखिए जो पहले वाली थी। यहाँ पे तो जोड़ सा दिखाई दे रहा है लेकिन ये सिर्फ दिखाई दे रहा है इस तरह से, लेकिन है प्लेन सरफेस ये बिल्कुल। और अभी इसके ऊपर पानी डाल देता हूँ तो फिर देखते हैं। और वैसे देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने पाँव रखे थे ना वहाँ वहाँ पे जैसे पानी निकला हुआ अभी भी, तो शायद उसका पानी पड़ा होगा। अभी भी ऐसा है कि मौसम इतना गर्म नहीं बोल सकते, ज़्यादा गर्म हो चुका है। क्योंकि कारण क्या है, थोड़ा बहुत तो ठंड रहती है। अभी फाग के बाद, होली और फाग आने के बाद तब मौसम कुछ ज़्यादा ठीक होगा। तो चलिए एक बार पानी डाल देता हूँ छत पे पहले, तो और लेवल भी चेक हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे पानी डाल दिया था, अभी सेंटर से यहाँ पे सेंटर किया वो थोड़ा ने जहाँ पे अभी पानी डाल रहा हूँ। तो ये देखिए अभी तो पानी बिल्कुल लेवल ऐसा कर दिया कि यहाँ पे बीच में जो पानी पड़ेगा ना आधा इस तरफ और आधा उस तरफ, तो ऐसे चलेगा। और आज इसमें जो ये चक्का कटवाया था ना हमने, तो इसके अंदर भी आज सीमेंट का फरस लगवा देंगे, फिर ये पानी भरने का काम आ जाएगा। और वहाँ पर रख देंगे बीच में, क्योंकि ऊपर छत खाली है। यहाँ पे क्या आगे भी जो भी पक्षी वगैरह आते हैं ना, तो यहाँ पे पानी पीते हुए चले जाएंगे। और अभी कारण क्या है, अभी गर्मियों की शुरुआत हो जाएगी तो पानी रखने का और तो कहीं पे भी जुगाड़ नहीं बनता, क्योंकि वह बाकी तो जाल लगा हुआ है हमारी छत पे, तो जो छोटे पक्षी है ना वो तो आ जाते हैं, जो छोटी छोटी चिड़िया है, तो बाकी कबूतर वगैरह और जो बड़े पक्षी है वो पानी नहीं पी सकते। तो अभी उनके लिए यहाँ पर ऊपर रखवा दूँगा। फिर तो दोस्तों अभी नीचे वाली जो छत है वो पूरी तरह से खाली करती है, यहाँ के सारे पौधे उठा के और आगे की तरफ रख दिए हैं। और अभी इसी को तोड़ने का काम शुरू है। और सारे पौधे रख दिए हैं यहाँ पे आगे की तरफ बर्जे में, पूरे का पूरा जंगल है हमारा ये देखिए। तो दोस्तों जैसे ऊपर वाली छत से पूरी सीमेंट उतारी थी सारी उतार के, और फिर दोबारा उसके ऊपर बजरी वगैरह डाल के फरस लगाया था, इस छत पे भी वैसे ही करेंगे। पूरी को तोड़ के पूरी सीमेंट उतार के और दोबारा नया फरस लगाएंगे इस पे, इसके ऊपर भी। और मैं आ चुका हूँ भी अपनी लकड़ी वाली दुकान पर, अपना काम शुरू हम करते हैं। तो दोस्तों आधी से ज़्यादा छत का तो ये मलबा है, जो ये उखाड़ दिया सीमेंट और जो लगी हुई थी पहले वाली ये सारी उखड़ चुकी है, और आधी और बाकी है, बाकी उस तरफ से ये और उतर जाएगी। और ये हमारी बच्चा पार्टी, इनसे ये नीचे भी नीचे जाके अपना काम कर लें, यहाँ पर लगे हुए हैं। नहीं आता आता मेरे को आता आता है आता, और वो देखिए गुल्लू को। हाँ तो क्या क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये देखिए दीवार खराब करने का ना, जरूरी है दीवार खराब करनी है, जरूरी है खराब करनी, ना खराब ना करे ना गुल्लू, रहने दे, नहीं खराब मत कर ना ना बेटा, तुमने दीवार खराब करे कितने भी तो पेंट नहीं करवा दे। और ऊपर वाली छत का हो चुका फाइनल काम, ये सारी कंप्लीट होगी ना, शायद गिल्ला अभी, ये देखिए यहाँ का बाकी था ये भी कंप्लीट हो चुका, अभी गिल्ला अभी जा नहीं सकते उस तरफ।
और वहाँ पर गिलास भी वहीं पर रख दिया मैंने तो। चलो कोई बात नहीं, अभी उठा के लेकर आऊँगा, शाम तक तो और ज़्यादा सूख जाएगा, फिर उठा के लेके आएंगे।